ख्याल रखना या यार थोड़ा जहासी साहब मेहमान बैठे ने <coughs> हैं इस वक्त इसरार के साथ और एक ब्रेक के बाद हम एक दफा फिर हाजिर खिदमत हैं और आज हम एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं गुफ्तु का और वो ये है कि पोलिटिकल बूंद डॉगलिंग जो हो रही है उसमें मुख्तफ चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं कौमी हुकूमत का क्या इसके अलावा मुख्तफ पार्टीज़ जो हैं वो अपने अपने हिसाब से अगला जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसको डिस्कस करने की कोशिश कर रही हैं कौमी हुकूमत और इसके अलावा जो दीगर मसाइल हैं उनके ऊपर आज हम गुफ्तु -गु करेंगे कि किस तरीके से हम हकूमत की तरफ बढ़ रहे हैं हकूमत साजी के मराहल में कौन कौन सी जो मुश्किल हैं वो पेश आ रही हैं क्या मसाइल हैं जो हम फेस कर रहे हैं इनका आज हम तजिया करने की कोशिश करेंगे हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत पैनल मौजूद है कम अजमान कहरा साहब गुजरात से इनका तल्लक है और रिसेंटली दोबारा इलेक्ट हो के आए हैं उनके साथ एक और बड़ा नाम हनीफाबासी साहब राबुलपिंडी इस्लामाबाद की मशहूर मरूफ शख्सियत और इनके साथ जब हम बात करेंगे नाज्रीन तो मुख्तलिफ इशूज़ के हवाले से बात की जाएगी और ख़ासतौर पर जो मैंने पहले कहा कि हुकूमत के साथ जो मामलात हैं उनके हवाले से जो एक इंपॉर्टेंट इशू है वो ये है कि वज़ी अज़म कौन बनेगा ये भी एक इम्पॉर्टेंट इशू है फिर आहस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि अनफोल्ड हो रही हैं चीज़ें कल हमने देखा कि कायम अली शाहब को नॉमिनेट कर दिया गया है सिंध के लिए एन डब्ल्यू एफ़ पी का भी मामला इसी तरह हल हो चुका है पंजाब और बलोचिस्तान जो हैं वो बाकी रहते हैं और सेंटर में क्या होने जा रहा है इसका हम आगाज़ करेंगे कमरजमन कहरा साहब से कहरा साहब इस वक्त जो हम चीज़ें देख रहे हैं अभी तक कुछ तयन से नहीं कहा जा सकता कि हुकूमत साजी किस मोड पर पहुँची है अभी इतने दिन हो चुके में है, हुए हैं इलेक्शंस को मुकम्मल हुए हुए भी और अभी तक कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है क्या कुछ मसाइल इसमें फेस करने पड़ रहे हैं रह मसाइल नहीं है इस वक्त बुनियादी तौर पर हमारी लीडरशिप की जो वाहिश और कोशिश है वो तो ये है कि एक ब्रॉडर गवर्नमेंट हम बनाएं कंसेंसस गवर्नमेंट कोशिश करें कि लाइक माइंडेड जमातें जो हैं उनको इकट्ठा करके और इस वक्त जो कौमी बहरान है उनका मुकाबला करने के लिए हमें एक वसीतर गवर्नमेंट की ज़रूरत है पाकिस्तान को एक वसीतर गवर्नमेंट की ज़रूरत है और हमें पाकिस्तानी पॉलीटिक्स को इस्तकाम देने के लिए भी महादरे की पॉलीटिक्स को ख़त्म करके एक ब्रॉडर जो गवर्नमेंट है वो बनाने की ज़रूरत है उसकी वजह से ये जो प्राइम मिनिस्टर वाला इशू है ये कोई बड़ा इशू नहीं है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपने घर का मसला है और अगर आप अपने तौर पे सारे फैसले पहले ही कर दें और फिर आप आपके पास जाएं तो बैठ के बात क्या करेंगे एक क्या एक क्रिटिसिज्म क्रिटिसिज्म तो तो? आपके ऊपर ये होता है कि अभी तक लीडरशिप का फैसला नहीं हो पा रहा ये बात नहीं है जी गुजारिश ये है कि आसिफ जरदारी साहब ने अपने तौर बात क्लियर कर दी कि वो कैंडिडेट नहीं है अब कौन कैंडिडेट होगा मैंने पहले गुजारिश की ना अगर आप पहले अपने सारे तहदाफ तय कर लेते हैं कि फलान जगह पर फलान बंदा होगा फलान जगह पर फलान बंदा होगा प्राइम मिनिस्टर का तय हो जाता है तो फिर कहते हैं जी मिनिस्ट्री तय नहीं होती शड कैबिनेट नहीं बनी अगर आपने सारा कुछ खुद तय कर लेना है तो फिर बाकी अलायंस के साथ बैठ के क्या बात करेंगे क्या मशावरत करेंगे तो अलायंसिस में हमेशा आपने सारे ऑप्शंस खुले रख के चलना होता है और ये कोई इशू नहीं है ये कोई परवेज मुशरफ साहब की तरह को प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे ये तो पार्टी की पॉलिसी को उन्होंने लेके चलना है अलायंस की पॉलिटिक्स को उन्होंने लेके चलना है और ये दो तो चार दिन में सेटल हो जाएगा पंजाब में भी जहाँ तक हमारी इतला है यह सुना जाता है कि मियाँ नवाज शरीफ आप निया शहबाज शरीफ जो जिया साहब खुद कमरफ फॉर्म करेंगे और उनको करनी चाहिए उनका हक है उनकी मेजोरिटी है वहाँ पर आप बिल्कुल क्लियर हैं कि जो भी लीडरशिप आनी है जो भी लीडरशिप आके लेके जाएगी और कोलिशन का आपने जिक्र किया तो कोलिशन को आगे आगे बढ़ाने में ज़ाहिर है कि जो सलाहित दरकार होती हैं उन लोगों के बारे में आप इंटरनली आप क्लियर हैं। देखिए है साहब दो होती है। एक ये है कि माजी का तजर्बा है दोनों सियासी जमातों और बाकी जो हमारे अलाइज हैं उनका भी माजी का तजर्बा इंसान को सिखाता है पोलिटिकल पार्टीज को भी सिखाता है, माशनों को भी सिखाता है। माजी से हमने सीखा है और ये कोई हम गवर्नमेंट बनाने का काम आज नहीं कर रहे इकट्ठा होने का काम हम आज नहीं कर रहे ये जब मोहतरमा हयात थी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुटो जब जिंदा थी तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जब साइन हुआ था वो सब तो इलेक्शन नहीं हुए थे उस वक्त तो नहीं पता था कि कल पार्लियामेंट की क्या सूरत हाल बनेगी कल में क्या सूरत उस वक्त यह तय किया क्या गया था कि हम आइंदा आने वाले वक्त में इन बुनियादों के ऊपर गवर्नमेंटें बनाएंगे और वो जो एक ऐसा रास्ता इख्तियार है जो मुस्तकबिल का एक रास्ता तयन किया गया है जो मिया साहब ने और मोहतरमा ने तय किया था और बाकी दोस्तों के साथ भी उस पर इतफाक़ चुका है वो बड़े दूर असरात का हामिल है हमारा ना एक अनफॉर्चुनेट मसला यह है कि पाकिस्तान में साजिशों की सियासत बहुत रही है आज भी हो रही है इसलिए हम शक व शिकार है कि पता नहीं ये होगा कि नहीं कल आपस में लड़ पड़ेंगे फला होगा कि आप लोग डिलीवर कर पाएंगे या नहीं कर हाँ। पाएंगे इसमें मैं अबासी साहब की भी ज़रा इनपुट लूंगा कि अबा साहब आपकी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो आज कहाँ पे खड़ी है जाहिर है कि कोलिशन की जब बात होती है तो सेंटर में भी कहा जा रहा है कि आप उनके साथ कोलिशन में आएंगे आप पंजाब में भी कह रहे हैं कि हम दीगर पार्टियों को भी साथ मिलाने की कोशिश करेंगे तो आज हुकूमत साजी के हवाले से अगर देखा जाए तो आप कहाँ पे खड़े हैं बसमिल्लर है पहले आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था मेरा तारफ कराते हुए बड़ा नाम मैं समझता हूँ बड़ा नाम अल्लाह तारा की जात का है हम अपने लोगों के खादम हैं और कोशिश करेंगे कि जिस तरह पहले उन लोगों में रहे उसी तरीके से उससे भी आयजी के साथ अपने लोगों में रहा जाए okay. दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि कहाँ खड़े हैं और जैसे काम कमर जमान कहरा साहब ने कहा बड़ी अच्छी बात है और ये माहौल जो है जो क्रिएट हो रहा है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सियासी तौर के ऊपर लोग उनसे मुतमिन हैं और अब लोग लोगों की नज़र उन लोगों के ऊपर है जो इस इतिहाद को कोशिश कर रहे हैं जो कि नाकाम हो चुकी हैं और होंगी इसमें कोई शक नहीं है कि जो हमारी लीडरशिप है जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस की लीडरशिप है उन्होंने जिस तरीके से दानिशमंदी का सबूत दिया है कि आज तमाम दर साजिशों के बावजूद आज वो अपने मुकाम पे खड़े हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की क्यादत क्रिस्टल स्टाइल में इस चीज़ को तस्लीम कर चुकी है कि मरक़ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत होनी चाहिए क्योंकि उसको अक्सरीत हासिल है और यही वजह है कि हमने किसी काफ्लिक वाले के से रता नहीं किया हमने किसी आज़ाद उम्मीदवार से रबता नहीं किया कि आप हमारे पास आओ या किसी के साथ हमने अक्सरीत बनाने की कोशिश डे वन से नहीं की और हम ये समझते थे कि लोगों ने जो फ़ैसला दिया है उस फैसले को मिन तस्लीम किया जाए और जब हमने उसको तस्लीम किया तो फिर हकूमत बनाने का हक हाँ भी उन्हीं को है जिनको हाँ लोगों ने अक्सरीत दी है इस हवाले से अगर आप पाक, आ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाशफ़ का पूरे का पूरा आप किरदार देखें इस पूरे सिनेरियो में तो बड़ा ही दानशमंदाना है जिन्हें लोग सराहा भी रहे हैं कि आज आप देखें कि अगर सूबे में हमारे पास हुकूमत है हकूमत बनाने की पोजिशन में है तो उसमें जो इंडिपेंडेंट है 24 के करीब वो हमारे साथ एफिलेशन का इजहार कर चुकी हैं जिन्हें इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि आपने चार दिन के अंदर अंदर किसी न किसी पार्टी को ज्वाइन करना है लेकिन उसमें जो काफलिक से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनसे रब्ता नहीं किया गया वो खुद अगर कोई फारवर्ड ब्लॉक बनाता है तो वो उसमें हमारा कोई जैसे कहते हैं अमल दखल नहीं है तो ये सारी सूरत इस बात का बीन सबूत है कि जो क्यादत है पाक, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अवामी नेशनल पार्टी की उन्होंने ये फैसले कर लिए हैं फैसले ये कर लिए हैं कि हमने हर वो काम करना है जो जमहूरीत की बका के लिए ज़रूरी है जो किसी तीसरे फरीक को इसमें एंटर होने की किसी तौर के ऊपर गुंजाइश ना दे अच्छा लेकिन जो एक जनरल परसैपशन है वो ये है कि आपका और पीपल्स पार्टी का जो एक बोन ऑफ कंटेंशन बनी हुई है वो जुडिशरी के हवाले से है आ, वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि उसको रिस्टोर किया जाए अब ये जो मामला हैं ये अब कैसे मैं, मैं भागे अभी भागे अभी एक नहीं दिन, नहीं। दिन पहले नवीद कमर साहब के साथ इसी तरह एक टीवी चैनल पे बैठा था तो उन्होंने काफ लीग के किसी साहब का वजीर से कहा कि आप हमारा साथ देंगे जुडिशरी की आज़ादी के लिए और साथ उन्होंने कहा कि हम अगर आप हम रिस्टोर करना चाहें उन जजिस को तो क्या आप हमारा साथ देंगे तो उस पर उनकी बात जवाब नफ़ी में था काफ लीग वालों का उनका जवाब इसलिए मस्बत था कि ये चीज़ तय हो चुकी है पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाशिफ़ साहब और जरदारी साहब की मुलाकात में तरीक़ाकार तय करना है और तरीकाकार किस तरीके से तय होगा जब हम नेशनल असम्बली के अंदर जाएंगे ओथ लेंगे हम अपने टू थर्ड मेजोरिटी जो है उसको जाहिर करेंगे हमने फिफ्टी एट टू बी को पहले ख़त्म करना है हमने इम्पीचमेंट को लेके आना है या हमने जजेस की बहाली के लिए कोई कानून साजी करनी है ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारी की सारी नेशनल असम्बली के अंदर होंगी तरीका कार तय होगा लाल के हद तक महदूद हैं या वाक़ता कोई प्रिंसिपी है कोई डिफरेंस ऑफ ओपीन नहीं है जहाँ तक जजेस की बहाली का ताल्लुक है इस पे इतफाक है सारी जमातों का ठीक है आगे मोडेलिटी हम पहले दिन से कहते थे कि जब तक पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे आज अगर हम मुतालबा करते हैं तो किससे करेंगे जिन्होंने खुद ये सारा अमल किया है वो तो अंडू करने को रहे तो हम पार्लियामेंट में जाएंगे तो ये काम करेंगे अब इसमें कई सारे फोर्ड्स हैं, एक पीपल्स पार्टी का मौका है हम कहते हैं कि हम तो जुडिशरी को और एम्पावर करना चाहते हैं ऑटोनमस करना चाहते हैं उसको और अपने अपने स्पीय तय करना चाहते हैं इसके लिए यकीन उसमें एक बहुत बड़ा इशू जो है वो बहाली का भी है ठीक वो सिंबोलिक इशू भी है और इस वक्त पाकिस्तान के लोगों की ख्वाहिश भी है और यकीनन ये, ये एक अच्छा अमल है होना चाहिए और ये होगा लेकिन इससे बढ़ना होगा आगे निकलना होगा जहाँ तक तलक मुस्लिम लीग नून का है मियाँ साहब का मौका बड़ा क्लियर है इस पर हमारे एल का मौका बड़ा क्लियर है और इस पर सिर्फ ये नहीं है कि हम पोलिटिकल पार्टीज ने अपना मौका देना है इस पर लॉयर मूवमेंट बड़ी तगड़ी है वो उनका भी मौका हम सुनेंगे उनके साथ भी बैठ के बात करेंगे इसमें सिविल सोसाइटी के लोग भी हैं लेकिन जब जुडिशरी के हवाले से जरदारी साहब का यह बयान आता है कि हम मतवाजी हुकूमत नहीं बनाने देंगे किसी को देखिए वो अपने तो, है। वो साथ ये भी कहते हैं कि हम सारे इदारों को अपने अपने फोकस में रहना चाह, रखना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट इज मदर ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन पार्लीमेंट स्ट्रैथन हो पावरफुल हो जुडिशरी अपना रोल अदा करे एग्जीटिव अपना रोल अदा करे फौज अपना रोल अदा करे तो ये मकसद सिर्फ यह कि ओवरलैपिंग जो होती है डिपार्टमेंट एक दूसरे में जाकर दाखिलत होती है वो ना हो उनका मकसद ये कतर नहीं है या जुडिशरी को ऐसा नहीं है कि ये पैरल गवर्नमेंट को बना रहे हैं उनका मकसद सिर्फ जब वो कहते हैं तो ये ब्रॉडर सेंस में बात हमेशा करते हैं कि हमने इंस्टीट्यूशन को मजबूत करना है और वो जो सिस्टम बदलने की बात करते हैं उन्होंने तो पहले दिन से कहा था हमें गवर्नमेंट नहीं चाहिए हमें पार चाहिए ताकि हम सिस्टम बदल सकें और हमने पाकिस्तान के लोगों को रिलीफ देना है और जहाँ तक ये जो जुडिशरी वाला इशू है मैं समझता हूँ इसमें कोई भी नहीं है जमातों के अंदर हाँ का इशू है इसमें कुछ लोगों का किराया टू थर्ड मेजोरिटी होगी तो ये होगा कुछ लोगों के किराया से जरूरत नहीं है इसमें वकला का मूवमेंट है वकला के लीडर्स मौजूद हैं पाकिस्तान बार काउंसिल है उनसे भी मशवरा होगा पावर जो है वो कहाँ से एमिनेट होगी पावर तो आप खुद लेंगे उस सिस्टम में से हाँ। जिसके जो कॉन्फिडेंस आपको लोगों ने दिया है उससे एमिनेट होगी ना देखिए पाकिस्तान के अंदर पावर चाहिए इस मुराद ये होता है कि जैसे स्टेबलिशमेंट अपनी गेम में खेलती है और आज भी खेल रही है आज भी कुछ लोगों को ग्रुप बनाए जा रहे हैं कुछ पे हाथ रखा जा रहा है और कोशिश की जा रही है और ये सिग्नल्स दिए जा रहे हैं कि जी ठीक है कुछ अरसे के बाद ये अलायंस खत्म हो जाएगा फिर दोबारा इलेक्शन आएंगे आप अपनी जगह पर कायम रहें लोगों को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है और अपनी जगह से इख्तियार छोड़ने की कोशिश नहीं की जा रही जो गलत अनकॉन्स्टिट्यूशनल इख्तियार ले लिए हैं उनको छोड़ने की कि, कि तरफ सोच नहीं है आपने सिर्फ देखे ना आइन तो है किताब मौजूद है उसमें आर्टिकल्स भी मौजूद हैं और वो वायलेट भी होता है कहा जाए कि आइन में कोई तरमीम की जरूरत नहीं है इसका मतलब यह है कि जैसा भी आइन होगा वो वायलेट हो जाएगा आपने ग्रेजुअली अपने इदारे स्ट्रेंथन करने हैं हमें सिर्फ ये नहीं है कि हम पावर ग्रैब करना चाहते हो भाग के जाके हम जिस जिस भी असूल बेअसूली करके भी इकदार ले, ले लेंगे ऐसा नहीं है हम चाहते हैं कि हम मुतहद होकर लाइक माइंडेड पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा करके पाकिस्तान के आज जो चैलेंजेस हैं उन चैलेंजेस के लिए एक बड़ी गवर्नमेंट बने विल के साथ गवर्नमेंट बने और सारे पावर शेयरिंग नहीं करें बर्डन शेयरिंग करें रेस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग करें और आज रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग वाला इशू है तो इससे बेहतरी इसमें मैं का ये भी जो खासतौर पर आपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की है इस पर बाज़ आप जरा तैयार रहिएगा मैं पूछूंगा आपसे कि जो ओवर टेकिंग है वो किस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आप करेंगे इस पर बात करेंगे नाजरीन ने एक ब्रेक का वक्त आपने पूछा है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे प्लीज विल बी राइट बैक वेलकम बैक नाजरीन बात हो रही है सियासी हवाले से और हकूत साजी के हवाले से हम देख रहे हैं कि हकूत साजी में क्या क्या मसाइल इस वक्त दरपेश हैं और किन चैलेंजेस का हमें इस वक्त सामना है आ, बात हो रही थी कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से और ओथ टेकिंग के हवाले से भाई साहब ये जो इस वक्त आपने कहा कि हमने पार्लिमेंट में जाना है तो उसमें जाके हम ये तय करेंगे पहले तो मरहला आएगा ओथ अब ओथ आप कहते हैं कि सेवेंटी थ्री के कॉन्सटीटूशन के तहत आप लेंगे अब सेवेंटी थ्री के कॉन्स्टिट्यूशन की भी कई अब वो वर्जनस हैं कौन सी वर्जन के तहत अब देखिए हाँ, वर्जन की मसला नहीं है अब जो उसका हुलिया बिगाड़ा गया है और जिस तरीके से इसके ऊपर माफ़ी भी मांगी गई जिन्होंने हिस्सा लिया था उसको हम भी उस कमिशन में शामिल थे और उन उसकी पूरी क्यादतने ख़ासतौर पर काश साहब ने कहा कि हम कौम से माफ़ी मांगते हैं उस हवाले से लेकिन अब जो है जैसा है उस हवाले से इलेक्शन हुए हमने उसमें हिस्सा लिया पार्टिसिपेट किया इलेक्शन कमीशन बना सारा कुछ हुआ अब हम असम्बली में जाएंगे और हमने ओथ लेना अगर इस बहस में पड़ गए कि ये 73 में जाएगा तो हम ओथ लेंगे तो फिर तो हम उसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकेंगे जहाँ तक 73 थ्री की कॉन्स्टिट्यूशन की बात है उसमें हमारा ये मौकफ़ है कि ये 12 अक्टूबर 1999 वाली जगह के ऊपर जाना चाहिए और इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्यादत का भी यही इतफाक़ है कि इसको उस जगह के ऊपर जाना चाहिए जो बारह अक्टूबर को शव खून मारा गया था उससे पहले वाली जगह के ऊपर वो कैसे जाएगा जैसे कायरा साहब ने कहा जब हम असेंबली के अंदर जाएंगे उस उसमें अमेंडमेंट्स लेकर आएंगे और हमने अपनी स्ट्रेंथ को शो किया चार पाँच दिन पहले कि 171 और फिर मैं ज़रा लेट पहुंचा था वहाँ कराची से तो एक के करीब हमने वहाँ लोगों को जो था वो शो किया था और उसमें मैं समझता हूँ कि अभी ख़वात की जो हमारी नशितें हैं उन्होंने इंडिपेंडेंट्स हैं, से हैं। और बहुत सारे लोग हैं ये सब मिला के हम तो इस वक्त ये फैसला हो चुका है वैसे ये कोई इशू नहीं है इस वक्त गुजारिश करता हूँ देखे आज आइन की शक्ल वो होती है जो आज अप्लाइड है इनकी कई कापियां पड़ी हैं असेंबली में उन्नीस वाला ओरिजिनल भी पढ़ा है उसके बाद सारी अमेंडमेंट्स वाले भी पड़े हैं इशू इस वक्त यह है जो सेवनटीन अमेंडमेंट हुई थी वो गलत थी हम उसको गलत मानते हैं आज भी गलत कहते हैं लेकिन वो ऑन द फ्लोर हुई थी उस पर जो आ, उस वक्त अबासी साहब और बाकी साथी उन्होंने उनको वोट भी किया था और एक गुडविल जस्टर के तौर पे किया था हम ये नहीं कहते किसी बात नीति से किया वो आगे ऑनर नहीं हुई बात लेकिन वो एक प्रॉपर तरीके से इंडक्शन हुई गलत हुई उसको तो हम अंडू करने के लिए पार्लियामेंट का जो रोल है जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का तरीकाकार है वो अडॉप्ट करने पड़ेंगे जो इशू है वो ये है इस वक्त है कि पीसीओ जो इंडक्शन हुई है जो थर्ड मार्च को थर्ड नवंबर को जो पीसीओ के तहत इमरजेंसी लगा के पीसीओ के तहत विद द ऑर्डर ऑफ द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ है क्या वो अप्लाइड है या नहीं उसको अंडू कैसे करना है एक हम कहते हैं जी फर्ज करें हमने इसको नहीं मानते लेकिन उसके तहत हम कोर्ट में भी जाएंगे कल मुझे कल आबासी साहब को किसी बद्दे को प्रॉब्लम होता है तो उसी आइन के तहत हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन जाके फाइल करेंगे ना जी कोर्ट्स में आइन वो होता है जो आज अप्लाइड है हमने यकीन हलफ लेना अब हलफनामा उन्नीस सौ तिहत्तर के आइन में जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें भी उसके अल्फाज वही है और जो आज तक चेंज नहीं हुए हलफनामे के अल्फाज बड़े मुख्तर हैं और वो अल्फाज अदा होने हैं उन्नीस सौ तिहत्तर का आइन हम इस अमेंडमेंट को जो पी सी ओ के जरिए हुई है हम उसको मानते ही नहीं है और यह बात हमने 2002 में भी कही थी कि हम उस वक्त के पीछे के तहत जो अमेंडमेंट्स हुई थी उनको नहीं मानते थे और बाद में वो रेटिफाई हुई लेकिन असेंबली ने कर दी असेंबली में उन्होंने अपनी अक्सरियत बना के जैसे भी बना ली और उन्होंने उसको अमेंडमेंट के जरिए इंडक्शन कर ली अब सवाल यह है कि हम असेंबली में जाएंगे उसके एग्जिट गेट हैं एंट्री गेट है असेंबली में दाखिल होने के लिए आपको वोट लेना पड़ेगा वी आर द मेंबर्स इलेक्ट वी हैव टू बी मेंबर्स ठीक जब मेंबर्स बनेंगे उसके बाद हमने देखना है कुछ लाजम नहीं है कि हमने टू थर्ड मेजोरिटी लेके ही इसको अंडू करना है इसकी और भी बड़ी हो सकती है जो डिस्कशन में आएगी इंशाल्लाह लेकिन आपने करना है जी वो तो डेफिनेटली अमल है अच्छा इसमें भाई साहब जो अंडू करने का अमल है इसमें कॉलिशन के जाहिर है कि अपनी सेंसिटिविटीज इन्वॉल्व होती हैं आपकी एक पार्टी है उसका अपना एक स्टैस किसी एक इशू पे हो सकता है पीपल्स पार्टी का अपना स्टैंड हो सकता है अब ए एन पी भी जाहिर है कि आपके इस पार्टनरशिप में मौजूद है आप समझते हैं कि क्या इस तरह के जो बड़े ही जागेंटिक किस्म के इशूज हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं इसके अलावा दीगर मामलाते हैं उनमें एक कोलिशन के तौर पर आप आगे बढ़ सकेंगे और पीपल्स पार्टी को नेशनल लेवल पर और यानी सेंटर में आप सपोर्ट कर सकेंगे अच्छा किसाना साहब कोई कन्फ्यूज़ होने वाली बात है कोई नहीं ना किसी को कन्फ्यूज़ करने वाली बात है ईशूज़ कौन से हैं बड़े इशूज़ कौन से हैं सबसे बड़ा हमारे नज़दीक हम चाहते हैं गदलिया की आज़ादी हो और मुकम्मल आज़ादी हो इसके साथ साथ हम दूसरी बात क्या है क्या फिफ्टी एट टू बी पीपल्स पार्टी को पसंद है क्या अवमी नेशनल पार्टी को पसंद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पसंद है किसको पसंद है ये यही दो तीन बड़े इश्यूज है ना फिफ्टी एट टू भी हो गया अदलिया की आज़ादी की बात होगी और कौन सा ऐसा इशू है जिसके ऊपर हम इकट्ठे नहीं चल सकते एक और जहाँ तक जी बताएं एक और इशू मैं कमर साहब से बोल के पूछूँगा कि कमर साहब एक और स्टेटमेंट जरदारी साहब की तरफ से आई जो कि जिसे ख़ासे लोगों के आई हैं वो खड़े हुए अब वो ये थी कश्मीर के हवाले से कि उन्होंने कहा कि कश्मीर को जरा बैक बनर पर डाल दें इंडिया के साथ गुतगु बेहतर बनाने के लिए इज़ दैट राइट देखिए मसला यह है कि कश्मीर के ऊपर ये जो पॉलिसी आज पिछले आठ साल से परवेज मुशरफ साहब की गवर्नमेंट भी चला रही है उससे पहले मियाँ साहब भी चला रहे थे आपको याद होगा कि ये पॉलिसी टर्न मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के दौर में शुरू हुआ और हमने कहा कि जी हम पीसफुल डायलॉग डायलाग करके कर और अपना ये मसला सेटल करेंगे उस वक्त जब हमने ये काम शुरू किया बाद में मियाँ मोहम्मद नवाफ़ साहब की गवर्नमेंट आई मियाँ साहब ने इस काम को आगे बढ़ाया तो उस वक्त बहुत सारे लोगों ने इस पर एहत भी किए बड़े शोर हुए लाहौर में एहत हुए और उस वक्त हमारे ए, कुछ लोगों ने जाके उनको रिसीव करने से भी इनकार किया यह एक पॉलिसी बनी थी और कंसिस्टेंटली आज उस पर स्लो काम हो रहा है लेकिन वो डायलाग अमल चल रहा है और मुस्बत सम्मत में चल रहा है अगर आप उसको डेडलॉग के तौर पर रख के बैठ जाएंगे तो मामला हल नहीं होगा नहीं उसमें तो एक और बात है मैं छोटी सी गुजारिश करता हूँ गुजारिश यह है कि हमने ये नहीं कहा कि कश्मीर के मामले को एक तरफ रख दें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कश्मीर के इशू पे सबसे ज्यादा वोकल और फोकल है लेकिन आगे बसला है कि आपने कौन कौन से इंडिया के साथ हमारे ट्रेड रिलेशन चाहिए अब नफरतों की एक दीवार है है जो जो बहुत अरसे से खड़ी है और जो दोनों करके हमने पहले भी नहीं, साइड अब आपको याद होगा खुर्शीद कसूरी साहब ने जनरल फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने कहा था कि हम कश्मीर पर बहुत नज़दीक पहुँच चुके हैं बड़े तलक फैसले करने वाले हैं हम वो तलख फैसलों की बातें नहीं करते हम तो कहते हैं कि कश्मीर का मसला कश्मीरी आवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हल होना चाहिए एक मसला यह है कि पहले यह हल करो फिर आगे चलेंगे एक तरीकाकार यह है कि इसको हल करने के लिए डायलॉग करो और बाकी नफरतें कम करने के लिए बाकी प्रोसेस भी खुले रखो पीपल टू तो पीपल कॉन्टेक्ट भी खुला रखो ट्रेड कर अपना जो रास्ता है वो भी खुला रखो वो रास्ते इख्तियार करके उन चैनल्स को भी इस्तेमाल करके पब्लिक प्रेशर है एक इसरार साहब दोनों तरफ जो हकायक में मबनी है भी और नहीं भी दोनों उसमें दोनों सूरतें हैं इंडिया में भी एंटी पाकिस्तान पाकिस्तान में एंटी इंडिया एक पब्लिक रिजेंटमेंट एक पब्लिक ओपिनियन है जो हुकूमतों ने खुद कायम किए और अब हुकूमतें उसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट खुद है पब्लिक ओपिनियन उनको उनके हाथ बांधे हुए हैं वो लोगों को पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट के जरिए अब रास्ते खुले हैं अब टॉलरेंस लेवल बेहतर हुआ है इंडिया के अंदर भी बातें हो गई हैं कि जी कश्मीर पे आपको फैसला करना चाहिए पहले नहीं थी नहीं मैं इसी पे आ, भाई साहब कश्मीर के ऊपर मैं आपका भी जरा इनपुट चाहूंगा कि कश्मीर के ऊपर जिस तरह जरदारी साहब की स्टेटमेंट और उसको उन्होंने क्लैरिफाई किया कि इस तरह का मसला नहीं है कि हम उसको बैक बैनर पर रख दें आ, कश्मीर आपके लिए भी बड़ा अजीज है और आपकी क्यादत के लिए भी बड़ा अजीज है और उसके ऊपर वाजह स्टेटमेंट्स उनकी आ चुकी हैं तो अगर इस तरह का खुदा ना खासा कोई मसला होता है देखें ये तो के ऊपर सारी बातें हैं ना जी हर चीज़ हम परसेप्शन के ऊपर रख के कश्मीर कि किसको अजीज़ नहीं है अभी बात कर दी काहरा साहब ने फिर दोबारा पीपल्स पार्टी के भी बारे में बता दिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नॉन नून का मौका भी यही हम तमाम अकोम के साथ ताल्लुक़ चाहते हैं हिंदुस्तान के साथ भी चाहते हैं अफगानिस्तान के साथ भी चाहते हैं यूरोप के साथ भी चाहते हैं अमेरिका के साथ भी चाहते हैं लेकिन बराबरी की सतह के ऊपर ठीक है हम किसी सूरत के ऊपर कश्मीर कश्मीर के ऊपर थो थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ ये इशू जो है ये हमारे अपने मुल्की लेवल के इशू हैं हम अपनी पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन करके जब चलेंगे जब हमारा एक आगे कदम होगा अपने मुल्क की तरक्की के लिए तो फिर दहशत गर्दी भी है फिर लाकानूनीत भी है फिर महंगाई भी है फिर बेरोजगारी भी है गुर्बत भी है बहुत बड़े बड़े इशू हैं लेकिन फिर पहले हम इसको इनपावर तो कर लेना अपनी पार्लियामेंट को उसमें तो जाकर हम बैठे और वहां पर जाकर हम फैसले तो ऐसे करें जैसे फैसले कौम ने किए हैं कौम ने क्या फैसला किया यकीन माने इससे पहले भी हम पाँच साल बाहर जाते रहे हैं असम्बलियों के दौरान भी अपने निजी दौरों में भी जाते रहे हैं तो हमें कुछ कुछ शर्म सी महसूस होती थी अपने सीधी सी बात है कि वो लोग हमें इस नज़रों से देखते थे लेकिन आज हमारी कौम ने पूरी कौम ने हमें पूरी दुनिया के ऊपर हमारा वकार बुलंद कर दिया है अपने फैसलों से जो उन्होंने डेमोक्रेटिक फोर्सेस के हक हाँ में इस्तेमाल किया है आज लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं पूरी दुनिया में यूरोप हो या अमेरिका हो कि यहां पे रहने वाले जो लोग हैं जो पाकिस्तानी हैं वो शौर रखने वाले लोग हैं वो जमहूरी अकदार को परवान चढ़ाने वाले लोग हैं ये ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से मैं समझता हूँ आपको भी चाहिए कि इसको मजीद प्रमोट करें ताकि ये माहौल बरकरार रहे आपने इशूज बताए हैं और बहुत जरूरी इशू है देखिए आज दुनिया में जो ग्लोबलाइजेशन का दौर है आपको रीजनल कोऑपरेशन की बहुत ज़रूरत है बड़े बड़े मुल्क बड़ी बड़ी ताकतवर इकोनॉमीज़ जो हैं वो रीजनल कोऑपरेशन में बैठे हैं और रीजनल कोऑपरेशन में अपनी सर्वाइवल देख रहे हैं हमें भी

हमारे इस दौर में आपको देखना पड़ेगा वो है वॉर ऑन टेरर का क्या आपने उसका तजिया किया है कमर साहब के आपकी पार्टी के तौर पर आपके थिंक टैंक्स ने कि ये वार और टेरर जो है उसको कैसे हमने आगे लेके जाना है किस तरह कंडक्ट करना है क्योंकि दिस इज द इशू विच यू हैव टू फेस देखिए सराज साहब वार ऑन टेरर पे हमारा बड़ा क्लियर मौकाफ रहा है पिछले पांच साल हम असम्बलियों के अंदर भी ये बात कहते रहे मीडिया में भी कहते रहे वार ऑन टेरर कोई ये जो टेररिज्म शुरू हुआ है ये कोई एक दिन की एक साल की परवान पैदावार नहीं है ये तो डिकेड्स में पैदा होता है और अगर हम चाहें कि ये कल ख़त्म हो जाएगा तो ऐसे नहीं होगा इसको बहुत टाइम लगना है इस शिद्दत पसंदी के रवैये से लड़ने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैयर्स है कि आप उन पर अटैक कर लेते हैं आप उनके हाइडोट्स पर जाकर अटैक कर लेते हैं आप उनकी जो जहाँ पे उनके स्ट्रेंथ पॉइंट है उनको पकड़ लेते हैं बंदों को पकड़ते हैं मार देते हैं फलां कर देते हैं ऑपरेशन जैसे कर रहे हैं इंटरनेशनल फोर्सेज भी कर रही है हम भी कर रहे हैं वो इलाज नहीं है वो टेम्परे इलाज जरूर है उनका फौरी तौर पे जो उनका ऑपरेशन सिस्टम है उनको आप अटैक कर लेंगे कुछ अरसे के लिए रुक जाएंगे फिर दोबारा रीगेन कर लेंगे नर्सरीज जहां से वो चीजें परवान चढ़ रही हैं उनको रोकना जरूरी है और वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैयर से नहीं रुकती वो पोलिटिकल मैयर से रुकेंगी पोलिटिकल डिबेट से रुकेंगी लोगों को आप एवेन्यूज देंगे लोगों को आप स्टेट के मामला में शामिल करेंगे आप उनसे डायलॉग करेंगे डायलॉग भी होना चाहिए यकीन और डायलॉग के अलावा एक डायलॉग होता है जी कि आप एक बंदे का एक आप समझते हैं कि ये एक बंदा कातल है दुश्मन है मफरूर है फलान है जो भी उस, उसे नाम दे लें और आप कहते हैं कि उससे उससे बैठ के बात करो कुछ लोगों का व्यू है नहीं करनी चाहिए कुछ का व्यू है करनी चाहिए मेरा व्यू ये नहीं है मैं ये नहीं कहता कि उनसे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए मेरा सवाल यह है कि पोलिटिकल डायलाग छेड़ के पोलिटिकल प्रोसेस में लोगों को शामिल करके आप नेशनल धारे में उनको इकट्ठा करेंगे और ये शिदत पसंदी खत्म होगी लोगों को ये यकीन आएगा

वो लोग जो उनको कौमी धारे में कायरा सामने का शाम वो कौमी धारे में दायरे में दायरे में थे कैसे बाहर आए कौमी धारे से कैसे बाहर आए ये वही लोग थे जो सिक्सटी फाइव सेवेंटी वन इवन फोटी सेवन से शुरू करें कि ये वो लोग थे जिन्होंने आपको आज़ाद कश्मीर आज़ाद करवा के दिया ये वो लोग थे जिस सिक्सटी फाइव में और 71 वन में आपकी मगरबी पूरी सरहद का जो है इन्होंने हिफाजत की हम ये समझते हैं कि जब उन वो समझते हैं कि एक पोलिटिकल जो गवर्नमेंट है वो जब वजूद में आएगी और उसकी जो क्यादत होगी उनके बारे में उनका ये ख़्याल है जैसे हम, मैं अपने हल्के में जाता था वोट लेने के लिए ख़ास तौर तो पर फ़्रंटियर की जो कम्यूनिटी हमारे इलाके में रहती हैं तो वो कहते थे कि आपको हमारे पास नहीं आना चाहिए हम वोट आपको देंगे हम या मोहम्मद नवाशफ और शेर को वोट देंगे तो मुझे एक इतमान होता था इस बात से कि कोई तो है जिसके बारे में उनके जिन में ये तसवर है कि वो हमारे ज़ख्मों के ऊपर मरम रखेगा कोई तो है तो ये कौन रख सकता है ये वो रख सकता है जिनके ऊपर उनका इतमाद हो और वो हैं पोलिटिकल फोर्स जिनको उन्होंने फ्रंटियर में ए एन पी को लेके आए हैं मरकज़ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आई है सूबे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आई है तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें जो हैं वक्त के साथ साथ और बहुत बेहतर होंगी पोलिटिकल गवर्नमेंट के इस पर मजीद बात करेंगे लेकिन एक नजीन ब्रेक का वक्त मेरा ख्याल है कि ये लास्ट ब्रेक होगी उसके बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे कि जो अगला सिनेरियो है उसमें पिछली गवर्नमेंट से अगली गवर्नमेंट जो हम देखने जा रहे हैं वो किस तरह डिफरेंट होगी आफ्टर दिस ब्रेक प्लीज सट वाई बैक वेलकम बैक नाजरीन बात हो रही है हकूमत सादी के हवाले से और मुख्तफ इशूज़ हम डिस्कस कर रहे हैं गमर समान कायर साहब लोगों की जाहिर है कि जो पीपल हैव स्पोकन एक्चुअली ये अभी हम जो रिज़ल्ट देख रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं कि पीपल हैव स्पोकन और द नेशन स्पोकन अब उसमें आ, लोगों की जाहिर है कि जब उन्होंने इस तरह एक मैंडेट आपको दिया है तो उनकी एक्सपेक्टेशन का लेवल भी जाहिर है कि उतना ही बड़ा होगा तो किस तरह डिफरेंट होगी आपकी हकूमत पिछली हकूमतों से और क्या आप मैसेज ऑफ होप देना चाहेंगे लोगों को ताकि उनको पता चले कि एक मैंडेट के साथ आप आए देखिए लोगों को यह तो पता है लोगों ने हमें मैंडेट दे के भेजा है तो पता है मसाइल का भी लोगों को पता है पाकिस्तान के लोग बड़े बादशाह यकीन पाकिस्तानी कॉम को नेक्स्ट इंस्टॉल होने वाली गवर्नमेंट को छः महीने साल के दरमियान का टाइम कम अज़ कम देना होगा ताकि वो इस उल्टी चलती हुई सारी जो निज़ाम की गाड़ी है इसको रिवर्स लगाना है वापस लेके आना है अपनी ट्रैक पे ट्रैक पर अब सवाल यह है प्राइस हाइक हुई पाकिस्तान के अंदर अगर चीनी का मसला बना सीमेंट का मसला बना आटे का मसला बना या बाकी बहुत सारी अशिया के जो रेट्स बड़े हैं जो हमारे आम कंज्यूमर आइटम्स हैं जो आम आदमी के ज़िंदगी के मसाइल हैं तो वो आर्टिफिशली बढ़े हैं वो रियल शॉर्टेज नहीं थी इंटरनेशनल ट्रेंड्स नहीं था उसमें नहीं इंटरनेशनल ट्रेंड का को तो कोई ताल्लुक नहीं है जी ये बड़ा ही गलत परसेप्शन है पाकिस्तान में चीनी पैदा होती है हम खुद कफील है पाकिस्तान में चीनी कहते हैं जी इंटरनेशनल मार्केट में रेट बढ़ गया भाई इंटरनेशनल मार्केट में हमने इंपोर्ट किया कोई अगर गंदम आपने पाकिस्तान की प्रोक्योर की है आपकी जरूरत है बाईस लाख टन तो आपने एक लाख टन पेट्रोल जो है वो एक सौ तीन डॉलर पेट्रोल देख रहे जो इंपोर्ट करने वाली बात होगी वो अलग है लेकिन गंदम का तो उसका कोई ताल्लुक नहीं है ना आप अपनी कहते थे हमारे पास रिकॉर्ड पैदावार है और आपको 22 मिलियन टन चाहिए पूरे एनुअल अब आप, आपकी कंजम्पशन है आप अगर आपकी फर्ज करें शॉर्टेज आ गई 20 मिलियन टन हो गई 19 मिलियन टन हो गई तो इस रार साहब ये तो साल के आखिर में जाके आखिरी महीने में शॉर्टेज आनी चाहिए ना इन माफियाज को हमने बिल्कुल ये पाकिस्तान के आवाम के साथ उनके जेबों पर डायरेक्ट डाका है बिल्कुल इजाजत नहीं देंगे सख्ती से निपटा जाएगा इनके साथ ये एक इतना बड़ा इशू है कमर साहब के लोग समझते हैं कि ठीक है अगर किसी ने गलत काम किया है अगर आप उसको टांग देते हैं किसी जगह पे तो लोग खुश हो जाते हैं कि ठीक है दे हैव डन देयर जॉब क्या अकाउंटेबिलिटी को मेक श्योर sure करने के लिए आपका कोई प्लान है या मैं कोई करता याज करना जिम्मेदारी है ना जी एक फेडरल गवर्नमेंट बैठी है प्रोविंशियल गवर्नमेंट बैठी हुई है और लोग डायरेक्टली होल्डिंग कर रहे हैं रिकॉर्ड के मुताबिक कर रहे हैं और उनको पूछने वाला कोई इसलिए कि वो खुद गवर्नमेंट में थे और हमारा ये रिकॉर्ड है हम तो लोगों को वोट लेके आए हैं उनको लोगों के वोटों की जरूरत नहीं थी आज उनका यही हाल हुआ पड़ा है हम लोगों को जवाब दें हैं लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक गवर्नमेंट करनी है और हम पाकिस्तान में किसी बंदे को हाँ जायज़ मुनाफा हर कारोबारी का हक है उसको मिलना चाहिए हम ये नहीं है कि हम ट्रेड की और इंडस्ट्री की फिजाक ख़राब करना चाहते हैं हम उनको प्रमोट करना चाहते हैं बेसिकली बैस, वो हमारी रीड की हड्डी है लेकिन इस आड़ में मुनाफे की आड़ में अगर कोई होर्डिंग करके का बाफिया बन, बना के और ग्रुप बना के अगर पाकिस्तान के आवाम को लूटना चाहेगा तो बिल्कुल लूटने की इजाज़त नहीं देंगे उसके लिए जो भी स्टेप लेना पड़ा पाकिस्तान के आवाम हमारी प्रायोरिटी भाई साहब किस तरह डिफरेंट होगी आइंदा हुकूमत पिछली हुकूमत देखिए मैं ये समझता हूँ कि जैसे अभी बहुत सारे इशूज के ऊपर हमने लोगों के पास के वोट लेकर आए और उसमें हमने ये रखा कि इस मुल्क में दहशत गर्दी लाकानूनीत महंगाई बेरोज़गारी ये सारे इत, ऐसे बड़े इशूज़ हैं जिसके ऊपर हम एक ऐसी पॉलिसीज़ मुरतब करेंगे नेशनल असम्बली के अंदर ताकि इससे लोगों को जो है रोज़गार मिल सके गुर्बत में कमी हो सके महंगाई में कमी हो सके अगर ये अकाउंटिबिलिटी नहीं होगी तो यकीन माने किसाना साहब मैं अपनी कॉम के सामने ये बात कहना चाहता हूँ अब मेरी पार्टी लीडर भी सुनते होंगे सारे सुनते होंगे कि अकाउंटेबिलिटी इसलिए जरूरी है वो अकाउंटेबिलिटी नहीं नैबली हमारे पास आयनी तौर पर कानूनी तौर पर हर चीज अदालतें मौजूद हैं अकाउंटेबिलिटी अगर हमने ना की और हमने उन लोगों पर हाथ ना डाला जो पंजाब की सतह पे हैं सिंध बलोचिस्तान या मरकज की सतह के ऊपर जिन्होंने इस पूरी कौम को लूटा है अभी तक ये जो मैंने इश्यूज गिने हैं ये बड़े बहुत बड़े इश्यूज हैं हम जब तकरीर कर रहे होते हैं ना पीछे से तो कोई लुकमा दे रहा होता है अगर महंगाई भूल जाए ना तो बुजुर्ग बोल रहे होते हैं कि महंगाई का जिक्र क्यों नहीं कर रहे हैं महंगाई का जिक्र भी करें महंगाई का जिक्र है लाकानूनीत है दहशत गर्दी है इन्वेस्टर नहीं है हमारे पाकिस्तान में जो थे पाकिस्तानी मौजूद वो लोग कहते थे बाहर से इन्वेस्टर्स आ रहे हैं वो इन्वेस्टर्स बाहर से कहाँ से आएंगे जो अपने इन्वेस्टर्स हैं जो मेरे दाएँ और बाएँ पिंडी, इस्लामाबाद के लोग हैं इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन वो कोई दुबई जा रहा है कोई इंग्लैंड जा रहा है तो आपने ये चीज माहौल पैदा करना है सियासी माहौल करना है लोगों की नफस जो है, उसको बहाल करना है करप्शन को खत्म करना है मेरिट को लाना है यह सबकी बकाव का मसला है ये मेरिट ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बका का मसला बात कर रहे हैं और मेरा ख्याल है कि हमारे मुल्क की बकाव मेरिट में है इसको इंश्योर करना कह रहा मुझे इसके बारे में जरा बताएं क्योंकि लोग अब देखेंगे खासतौर पे अब जैसे ही गवर्नमेंट आएगी आपकी उसमें प्राइम मिनिस्टर टू द बॉटम जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हैं लोग देखेंगे कि मेरिट पे हुई हैं या सिफारिश पे हुई हैं या उन लोगों के कहने पे हुई हैं कि जो आपके घरों के चक्कर लगा अच्छा, रहे हैं झंडे लगा के और वो फॉरन अच्छा फिर आपका जवाब दीजिएगा आप

वो एक अपनी जगह मौजूद है उसका लिहाज ज़रूर रहता है उससे डिक्टेशन नहीं ली जाती लेकिन उसको लिहाज में ज़रूर रखा जाता है जज्बाती फिजा में बातें करनी और बात है और फैक्चुअल ग्राउंड कुछ और होते हैं इसका मतलब ये नहीं है आज दुनिया में अमेरिकन एक ताकत है ड मीन्स कि हम उनकी हर बात बनोम तस्लीम कर लेंगे लेकिन उनसे टकराना भी और उनके सर सर पर फोड़ना भी और सा, आमने सामने हेड टू हेड हो जाना भी कोई करता और बात है मैं गुजारिश इस तरह मीटिंग बड़ी कर थाक कर कर थाक बड़ी ताकत ताकत गवर्नमेंट फॉर्मेशन में उनकी गवर्नमेंट फॉर्मेशन में उनका रोल नहीं है गवर्नमेंट फॉर्मेशन में उन्होंने अपने तहफात करने होते हैं उनके क्या तहफात है ये तो लीडरशिप जानती है उनसे उनकी बात हुई है मैं तो जनरली एक बात कर रहा हूँ वो अगर कोई बातें करते हैं तो ताकतवर अपनी बातें करता है देखना यह है कि अल्टीमेटली पॉलिसी बाहर क्या आती है क्या किसी से डिक्टेटेड पॉलिसी है या हमने अपनी पॉलिसी उसको समझा ली है और ताकतवर से लड़ना हां एक सूरत है कि अगर जहां पे आप अपने असूल कंप्रोमाइज कर जाते हैं वो नहीं बिल्कुल होने चाहिए और नहीं होंगे ये मैं आपको इंश्योर कराता हूं ये तो बड़ी चीज़ दूसरी गुजारिश ये है ये जो मेरिट का सिस्टम है यकीन इसमें पाकिस्तान की बका है इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बका है इसमें पीएमएल एन की बका सारी पोलिटिकल फोर्सेज की बका पीएमएल क्यों क्योंकि वहां मेरिट अगर लग जाए तो वो खत्म हो जाते सवाल यह है ये मेरिट एक दिन में नहीं आ जाना ये किसी लेजिस्टर नहीं हो जाना एक कानून पास करने से मेरिट नहीं हो जाएगा मेरिट का जो कानून है वो तो है हमारे कानून में सिफारिश की इजाजत तो नहीं है लेकिन ये ट्रेडिशन है ट्रेंड है हमारी सोसाइटी को हमने जब सोसाइटी को पॉलिटिसाइज करना है और इसमें हम जब कहते हैं कि हम रूल ऑफ लॉ चाहते हैं जब रूल ऑफ लॉ अप्लाई होगा प्रॉपर इसको इंट, इं, जए, सही सही मानू रूल ऑफ लॉ होगा तो ग्रेजुअली चीजें बदलेंगी ओवरनाइट नहीं बदलेंगी लेकिन आपने उस सम्मत सफर जरूर करना वो है। कल्चर लाना जो वो है कल्चर उस वो कल्चर तरफ सफर करना है कल्चर ग्रेजुअली आएगा एक दिन में नहीं आ जाएगा एक साल में नहीं आ जाएगा लेकिन आपने उस तरफ सफर करना है अपनी इंटेंशन अपनी कोशिश ये होनी चाहिए और ये देखना कौम ये देखेगी कि क्या हम उस तरफ चले हैं कि नहीं हमने गाड़ी का रुख उस तरफ मोड़ा है कि नहीं और फिर साल बाद हमारी परफॉर्मेंस दो साल बाद हमारी परफॉर्मेंस लोगों के सामने नहीं नहीं आनी शुरू हो जाएगी अब भाई सब पंजाब गवर्नमेंट जाहिर है कि अपनी एम एल एन बनाएगी और उसमें आप क्या देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर दीगर जमातों के साथ मिलकर आप बनाएंगे या फिर आप सोलो फ्लाइट के मूड में हैं जिस ऊपर हम सेंटर में देख रहे हैं कि पी एम एल एन हद तक सपोर्ट कर रही है और वजारतें अभी तक आपने फ़ैसला नहीं किया कि आप लेंगे या नहीं लेंगे उसका भी जरा बता दें नहीं वजारतों का तो फैसला हमने किया हुआ है जी कि हमारा तो कोई इरादा नहीं है फ़िलहाल मरकज़ में वजारतें लेने का हम बहरहाल उसका हिस्सा होंगे जब एक वजी अजम बन रहा है एक स्पीकर बन रहा है डिप्टी इस्पीकर बन रहा है उसको वोट देंगे तो उसका मतलब यह है कि हम उसका हिस्सा हैं और हम बिल्कुल नेक नीति के साथ और बड़े कुशादा दिली के साथ इस सारे काम को इसलिए कर रहे हैं कि जैसे बार बार ये कहा जा रहा है कि इसको मुल्क और कौम को इस वक्त हमारी रवादारी की ज़रूरत है इसी तरीके से पंजाब के अंदर हमारी हुकूमत है और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ है और हमें वो वोट देगी सपोर्ट करेगी और मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि इस सूरत हाल में हम किसी सूरत किसी लासानियत पर मबनी और किसी इस तरीके से मबनी को इसलिए अपने साथ नहीं लाना चाहते कि हमें उस चीज़ की जरूरत नहीं है इस वक्त तमाम जो फोर्सेस हैं डेमोक्रेटिक फोर्सेस वो अपनी जगह इकट्ठी हो चुकी हैं और इकट्ठी होने के बाद वो मुल्क और कौम को एक रास्ता दे चुके हैं और वो बड़ी तो नहीं बन जाएगी नहीं, आ, को को दो दो सूरतें हैं इस पे। एक तो ये है कि हमें ना फेडरल में जरूरत है और ना सिंध में जरूरत है सिंध में पीपल्स पार्टी की अपनी अक्सरियत है हमें जरूरत नहीं है इसके बावजूद हमने उनसे रहा किया है और हम उनसे डिस्कशन किए वजह यह है कि अगर वो अपना कोई रोल अदा करना चाहते हैं भले जैसे बिहार में हम, हमारी अपनी जमात के लोगों को बहुत अख्तिलाफ़ात हैं उस पर लेकिन ये हमारी लीडरशिप ने जरूरत से काम किया कि अख्तलाफा अपनी जगह उनसे तनाजात अपनी जगह लेकिन वो एक फोर्स है और हमें उनको अगर वो अपना रोल पॉजिटिवली फॉरदर डेमोक्रेसी फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो करना चाहिए अब सवाल यह है कि उनके पास बारगेनिंग टर्म तो नहीं होगी ना जी लेकिन ये नेक नीति के साथ हम उस तरफ बढ़े हैं जहां तक सवाल यह है कि पी एम एल एन हमारे साथ वजारतें लेगी या नहीं लेगी अभी यह प्री मिच्योर सवाल है मैं इस पर कुछ ज्यादा अभी फाइनलाइज नहीं इसलिए कि ये लीडरशिप का इशू है मियाँ साहब की जबान से मियाँ मोहम्मद नवाश साहब की जबान से ये लफ्ज आज तक नहीं निकले कि हम वजारतें नहीं लेंगे उन्होंने कहा कि हम मिलकर हुकूमत बनाएंगे जब हुकूमत बनाने की बात की जाती है तो हुकूमत गवर्नमेंट होती है ठीक मिनिस्ट्रियाँ होती हैं सारा कुछ होता है लेकिन ये मामला मेरे और अबासी साहब के लेवल का नहीं है हम अपनी जमात के कारकुन और मेम्बर ज़रूर हैं लेकिन ये हमारी लीडरशिप इस पर फैसला करेगी और मुझे यकीन है कि जब वो बैठ के आपस में फैसला करेंगे हमारी जो लार्जर इनकी अपनी सी डब्ल्यू सी है हमारी अपनी सी सी है तो ये जब उस लेवल पर बैठ कर डिस्कस करेंगे और अभी इन दिनों में ये बात फाइनलाइज हो जाएगी और मुझे यकीन है कि हम इकट्ठे होंगे सिर्फ अददी अक्सरीत के हवाले से नहीं मैंने पहले गुजारिश की

वजी अजम के हवाले से फाइनलाइज वर्जन जो है आपका कब तक देखिए वो मेरा मेरा ख्याल है कल परसों तक एक दो दिन में ये क्लियर हो जाएगी बात लेकिन ये मैंने पहले गुजारिश की कि ये मेरे लेवल पे नहीं डिस्कशन लेवल है सेंट्रल एग्जीटिव कमेटी आसिफ साहब का लेकिन पार जल्दी ही लेकिन जल्दी अल्लाह तला बेहतर करे कमर कहरा साहब आपका बहुत शुक्रिया हनीफाबाशी साहब आपका बहुत शुक्रिया नाजीन आप भी दुआओं में याद रखिएगा पाकिस्तान को और पाकिस्तान के तमाम मामला को क्योंकि हम चाहते हैं कि जो नई गवर्नमेंट आए वो अपने पाँच साल ना सिर्फ पूरे करें बल्कि पाकिस्तान को एक स्टेबिलिटी का जो दौर है वो दे सके और आखिर में दुआ कि मेरी इज्जत के लिए काफ़ी है मेरा मौला कि मैं तेरा ही बंदा हूँ और मेरे फख्र के लिए काफ़ी है कि तू ही मेरा परदिगार है तो बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह मैं चाहता हूँ मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है सपुरदम ब तो तू दानी हिसाबे कहूँ बेच रहा मुझे किसानों को कल तक के लिए इजाज़ दीजिए कल मुलाकात